हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेव डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कोई भी मोल बनाते हैं, इस मोल की एनिमेशन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा मैं। और जो मैं मोल करा रहा हूँ वो आपको मैं प्रैक्टिकल मोल करा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे फोटो में दिखा देता हूँ आपको, जो मैं मोल करा रहा हूँ वो आपको मैं प्रैक्टिकल मोल करा रहा हूँ। ये आपका कॉम्पोनेंट है, मैं आपको कॉम्पोनेंट भी दिखाऊंगा। तो ये जो मोल्ड है, इसकी हम जो है आज एनिमेशन करेंगे। बेसिकली इसका जो एनिमेशन होंगे, आप जैसे यहाँ पे देखोगे, ये मेरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया। तो ये जो पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, एनिमेट करके दिखेंगे, जो आपकी स्लाइडर मैकेनिज्म है। जैसे कि यहाँ पे फिंगर कैम है, और जो इस पार्ट में फिंगर कैम है, बहुत ही लंबा फिंगर कैम है, तो इसकी हम एनिमेशन करके दिखेंगे। इसको हम बनाएंगे असेंबली में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, जो हम असेंबली बनाएंगे, असेंबली कॉन्स्टेंट वगैरह कैसे यूज करना है मोल में, कैसे आप बनाओगे किसी पार्टिकुलर पार्ट की, अगर आपको एनिमेशन वगैरह करके दिखना है तो आप कैसे करोगे, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मोल डिजाइन सीख रहे हो, अगर असेंबली से नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, इन फ्यूचर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो मोशन स्टडी वगैरह आप करना पड़ेगा ना आपको आगे, वो नहीं कर पाओगे, तो वो नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बढ़िया से एनएक्स सीखना है तो आप असेंबली में सीखो, ये मोशन वाली पार्ट भी मैं सिखाता हूँ उसमें करो आप, तब अभी बहुत सारा चीजें एनिमेशन वगैरह करके देख पाओगे। लेकिन आज का जो एनिमेशन होंगे, मैं इसके अंदर आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जब एनिमेशन करते हो, जो भी आप बनाते हो, तो इसके बाद आपको ये सारा कमांड आपको आना चाहिए, ये सारा जितना भी कमांड है आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार एक राफली आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो हम इस वीडियो को पूरा नया से बनाएंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे। सबसे एक एक चीजें मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे आपको क्या कॉन्स्टेंट यूज करना है, कहाँ पे कैसे चीजें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे मूव कॉम्पोनेंट करेंगे, तो मेरा आपके कॉन्स्टेंट सही होना चाहिए। तो मैं कॉम्पोनेंट को इधर ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मेरा कितना एरिया जो मूव करना है वो मेरे को देखना है। लेट्स से मेरे को मूव करना है 82.3 mm है, ठीक है। ये जो मेरा है 82.3 जो है मेरा स्लाइडर मूव करेंगे। जैसे मैं इसको इंडेक्ट करूंगा, जो वैल्यू है पुट करूंगा, उसके बाद जो है ये स्लाइड होने लग गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे आपका स्लाइडर जो है, आपका जो केवीटी इंसर्ट है ऊपर चले जाएंगे, उसके साथ जो आपकी ये स्लाइडर ब्लॉक है और जो आपका हिल ब्लॉक है ऊपर जा रहा है केवीटी हाउसिंग के साथ, और आपकी केवीटी इंसर्ट भी है यहाँ पे, तो उसके तरह जैसे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे स्लाइडर आपकी मूव करेंगे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक। वो कितना मूव करना है वो कैलकुलेशन जो है वो अलग वीडियो में मैं दे रखा हूँ। ये प्रैक्टिकल मोल है जो मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट कराता हूँ ये वाला मोल। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से इसको एनिमेशन करना है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है इसको एनिमेशन करने के लिए, क्या क्या देखना पड़ेगा, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना रखना पड़ेगा, क्या कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, तो सभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, और एक चीज़ है, जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह लेना है, जिसको भी एडवांस क्लासेस वगैरह लेना है, हर तरीके से मोल कराता हूँ, लाइव में भी कराते हैं, रिकॉर्डेड में भी कराता हूँ, बहुत सारा ऑफर अवेलेबल है। आप नीचे नंबर मेंशन दें, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। हर तरीके से मोल कराता हूँ, जो मैं कंटेंट कराता हूँ, एक महीने के शॉर्ट कंटेंट नहीं कराता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी कोर्स होती है मोल डिजाइन। दो दो कोर्स कराता हूँ मोल डिजाइन में, आप टू आपकी मोल फ्लो तक करवाता हूँ मैं, हर चीज़ें आपको डिटेल में करवाता हूँ। तो किसी को भी इंटरेस्ट है वो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। टूल एंड डाई में हर एक कराता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कराता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कराता हूँ, हर एक चीज़ अवेलेबल है। एक बार आपको नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो आज का जो बेसिकली जो वीडियो होंगे, इस वीडियो में हम पूरी एनिमेशन कैसे करना है मोल को, हम वो दिखाएंगे। आज जो मैं एनिमेशन कराऊंगा असेंबली के थ्रू कराऊंगा, और आगे जो एनिमेशन होंगे वो भी असेंबली के थ्रू कराऊंगा, लेकिन वो कराऊंगा मैं मोशन स्टडी। अगर इस वीडियो को रेस्पॉन्स सही रहेंगे तो मैं आगे जो भी होगा वो मोशन स्टडी के ऊपर कराऊंगा। मुझे स्टडी का मैं एक अलग सा वीडियो डाल रखा हूँ, बहुत 2 साल 1.5 साल पहले का वीडियो है, वो जाके एनिमेशन देख ले कैसे ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहा है। लेकिन आज का जो होंगे असेंबली में बताऊंगा मैं। तो जितना भी कॉन्स्टेंट है, तो सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट को हटा दिया है। अब मेरे को ये देखना है, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मेरे को आपका जो मेल आई डी है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं शेयर कर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने मेल आई डी वहाँ पर मैंने गूगल लिंक दिया था, तो इतना गूगल लिंक आया कि मेरा मेल जो है मैं देख नहीं पा रहा था। तो अभी आप लोग एक काम करना, मैं जैसे भी 10-15 आपके एक साथ ईमेल आईडी इकट्ठा हो जाएंगे, मैं आपको सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखो, सबसे पहले जो मेरा बॉटम वाला पार्ट है, जो मेरा कोर हाउसिंग है, उसको मेरे को लाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करना है सबसे पहले, उसके बाद पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको इनवर्ट सिलेक्शन करना है, ठीक है। जैसे मैं इनवर्ट सिलेक्शन करूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा बेसिकली रहेंगे फिक्स। तो मैं क्या करूंगा, असेंबली कॉन्स्टेंट आके इस वाले पार्ट को मैं कर दूंगा फिक्स, ठीक है। ये मेरा फिक्स रहने वाला है। तो अभी उसके बाद जो है कंट्रोल शिफ्ट के करके जो मेरा बैकग्राउंड में कोर इंसर्ट है उसको लाना है, क्योंकि कोर इंसर्ट के साथ मेरे को रिलेशन देना है, ठीक है। अब भी ट्राई कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के, सेम टू सेम आपको करना है। ये वाला फेस है उसको मैं मास्टर लूंगा, उसके बाद जो है ये जो लूंगा मैं, इसको सिलेक्ट करके ये वाला ले लूँगा, ठीक है। टच देना है,
अभी अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह देखना है कि क्या है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं जो करूंगा अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके पार्ट को दिखाओगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक्स वाई में जो है मूव कर सकता है, ये एक्स और वाई में मूव करेंगे और रोटेशन है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अभी भी है, मतलब इसको जीरो नहीं हुआ है अभी। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको जो है फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी चला गया, तो मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा दोबारा से, तो मेरा टच कॉन्टेंट जो कॉन्स्टेंट है वो आ जाएंगे। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इंटरलॉक कर दूंगा इसको। इंटरलॉक कैसे करूंगा, सेंटर टू सेंटर में इंटरलॉक कर, ठीक है, तो एक करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे के नहीं करना है, आपको अलग तरीके से करना है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप मूव कमांड लेके तो इसको आपको जो है यहाँ पे डायनेमिक लेके भी आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हो कि ये तो लॉक है, ये लॉक है कि नहीं, ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया, ठीक है। आपको पता लग गया कि मेरा तीनों डायरेक्शन से मेरा ये लॉक हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी रोटेशन लॉक जो है इससे हमने लॉक कर दिया, इससे हम एक्स वाई भी लॉक कर दिया हमने, ठीक है। मेरा जो अभी मेरा जो आर्टिकल है तो मेरा एक्स वाई जेड लॉक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरे को क्या आने वाला है, इसके बाद मेरेगा जो गाइड रेल आने वाला है, कोर की जो गाइड रेल है वो लाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गाइड पिलर गाइड बुश वगैरह नहीं लाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा ये फिक्स है, ये मेरा फुल्ली कॉन्स्टेंट है, अब मुझे इसको भी फुल्ली कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, तो मैं असेंबली कॉन्स्टेंट में जाऊंगा। जाने के बाद जो मैं यहाँ पे सिंपली टच दूंगा इस स्पेस को मैं टच में दूंगा, रिवर्स डायरेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ मैं गलती से कुछ और सिलेक्ट कर दिया, यस कर देना है, पहले डायरेक्शन में आ जाएगा आपको। अगर असेंबली में काम करना नहीं आता है आपको तो असेंबली में बारे में मुझे बताओ, मैं आपको अलग से वीडियो बना लूंगा, ठीक है। इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देना है, ठीक है। सिमिलरली आपको इसको भी आपको रिवर्स डायरेक्शन कर देना है, अप्लाई कर देना। आपका एक्स और वाई लॉक है, लेकिन आपका जो जेड है, ये जो जेड है ना वो मूव कर सकता है, तो मुझे जेड को भी लॉक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे जाने के बाद और ये फेस सिलेक्ट करूंगा, सिमिलरली करके यहाँ पे जाके मैं ये फेस सिलेक्ट करूँगा, मेरा जेड भी लॉक होगा। ये ब्लू में रहना चाहिए, कभी भी रेड नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में दिखा देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका लॉक है पूरा, ठीक है। जब सिलेक्ट करोगे ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्लिक करोगे नहीं आएगा, तो समझ लेना कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक है, मतलब आप कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये फुल्ली कॉन्स्टेंट है, ठीक, क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में कौन सा लाऊंगा, मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है मैं ये लाऊंगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को मैं कॉन्स्टेंट देना है, जैसे कि ये वाला पार्ट रहेगा फिक्स, किसके साथ रहेगा फिक्स, इसके साथ फिक्स रहेगा, तो मैं इसको कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको हम कौन कौन सा कॉन्स्टेंट लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम टच, इसकी टच किसको लगाएंगे, ये वाला फेस को टच में लगाएंगे, किसके साथ, ये अंदर वाली फेस के साथ, क्लियर। ये मैंने टच लगा दिया, तो मतलब इसका जो जेड हो गया लॉक। अब आपको इसको वाई लॉक करना है, वाई लॉक करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो ये अंदर वाला फेस है उसको लॉक करेंगे, ठीक है। आपका जेड लॉक हो गया, आपका वाई लॉक हो गया, अब अपने को एक्स लॉक करना है, एक्स इस डायरेक्शन में लॉक करना है ना, क्योंकि तो ये फिक्स होगा, तो मैं इस एक्स की जगह में मैं इसकी सेंटर टू सेंटर लॉक करवा दूंगा, क्योंकि कभी कभी कुछ एरिया में रिलीफ होता है ना, तो मैं क्या करूंगा इसको और इसको लॉक कर दूंगा, तो बेसिकली मेरा एक्स भी लॉक हो जाएगा। अगर आप जैसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करके देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि ये फुल्ली कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। चीजें पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें पूछना होता है ना, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, कुछ इतना इतना मिनट में सर ये कैसे हुआ, ऐसे पूछ सकते हो। अभी आप पूछते हो ये कैसे हो गया, तो मुझे भी पुराना वीडियो में देखना पड़ता है वो क्या चीज था। आप कमेंट सेक्शन में जब पूछोगे ये सेकंड में ये कितना हुआ, ऐसे पूछिए, मैं उसकी आंसर दे दूंगा उसमें जाके, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सबसे वाला जो पार्ट है, मैं पार्ट को लिया, पार्ट को मैं कोई कॉन्स्टेंट नहीं दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएंगे, मेरा नेक्स्ट आएंगे आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरा क्या है, जो मेरा गाइड रेल है, जो रेल है सेंटर गाइड रेल है, तो उसके ऊपर जो ये स्लाइड करेंगे बेसिकली, तो ये बोल्ट हो रखा है, ठीक है। ये किसके साथ बोल्ट हो रखा है, ऊपर वाली प्लेट के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट में किसके साथ दूंगा, इसको मुझे कांस्टेंट देना पड़ेगा इसके साथ। अब यहाँ पे ये देखना है दोनों के बीच में कोई गैप तो नहीं है, अगर किसी दोनों के बीच में हल्का सा कोई गैप होगा ना, तो आप इसमें कांस्टेंट नहीं दे पाओगे, ठीक है, नहीं दे पाओगे आप। यहाँ पे गैप है और आपको ये देखना है इन दोनों के बीच में भी गैप है क्या, इन दोनों के बीच में भी गैप है, आप ये भी नहीं दे पाओगे। मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, मैं इस फेस के साथ
सॉरी, मैं इसको इस फेस के साथ, जो ये मेरा फेस है, इस फेस के साथ जो है मैं ये वाला फेस के साथ मैं एक कांस्टेंट दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक्स जो है फिक्स हो गया। अब मेरे को इस वाली फेस के साथ भी लूंगा, मेरे को एक्स और वाई जो है मुझे फिक्स करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करके और यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, क्लियर। दोनों को मैंने कॉन्स्टेंट दे दिया। अब मेरा जो ये हो गया, देखो अब मेरा ये ऊपर नहीं आएगा और यहाँ पे घूम नहीं करेगा, ये बस घूम करेगा, ये वाला जो कॉन्स्टेंट है बस एक्स डायरेक्शन में। कैसे पता लगेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करोगे, देखो ये डायरेक्शन दिखाएगा आपको, मतलब ये बस इस मूवमेंट में मूव करेगा, मुझे उस मूवमेंट में मूव करवाना ही है, तो इसलिए मैं इसको इस डायरेक्शन में रखूंगा। मैं कंट्रोल जेड कर दिया, ये हट जाएगा, लेकिन कांस्टेंट भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा आपका। फिर दोबारा कंट्रोल वाई कर देना है, इसके एक अलग शॉर्टकट भी है, वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरा अभी जो नेक्स्ट मेरा काम है, नेक्स्ट मेरा जो काम है वो मेरा क्या है, ये वाला ब्लॉक लाना है, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक जो है इसके साथ मुझे कांस्टेंट लगाना है, और ये जो मेरा जैसे आपका कूलिंग निपल है इसके साथ मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, अगर आपको बाद में ऐड करना है तो बाद में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं जो स्लाइडर ब्लॉक है उसके साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब देखो, अब मैं इसे कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट लगाने के समय ये देख लेना कि दोनों के बीच में गैप तो ना हो, कि अगर यहाँ पे देखो रिलीफ की बात करते हैं ना, कभी हम यहाँ पे गैप जीरो रखते हैं ना, यहाँ पे हल्का से गैप रख देते हैं, मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, यहाँ पे टच करके वो टूल रूम वाला रख देते हैं, टूल रूम में जो दाई भीतर होते हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं। इसको मैं कॉन्स्टेंट कर दिया, मेरा अभी जो वाई है वाई लॉक हो गया, ठीक है। मुझे एक्स लॉक नहीं करना है, मुझे अभी जेड लॉक करना है। जेड लॉक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फेस लूँगा, ये वाला फेस के साथ मैं ये वाला फेस को लॉक कर दूंगा, मेरा अभी जेड लॉक हो गया। अब आप देख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके मेरा ये ओनली एक्स में मूव करेगा, ये भी एक्स में मूव करेगा, ये भी एक्स में मूव करेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करके कंट्रोल वाई कर दिया। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रखना है तो आप रख सकते हो, बाद में आपको डायरेक्शन देखने में याद रह जाएगा, हाँ इसकी डायरेक्शन ये था, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये था, तो आपको बाद में काम आएगा। अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बहुत सारा मार्क्स आ जाएंगे, है ना, ऑलरेडी असेंबली कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल के, ठीक है। तो मेरा जितना भी नीचे का था, नीचे का मेरा हो गया है, ठीक है, मेरा नीचे का जो है मेरा हो गया है। अब मैं ऊपर में जाऊंगा कॉन्स्टेंट लगाने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया मैंने, बी करने के बाद मेरे को यह इसके साथ कॉन्स्टेंट लगाना है। तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है किसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ लगा हुआ है, राइट। तो हम एक काम करेंगे, अब असेंबली कॉन्स्टेंट में जाऊंगा मैं, मैं आराम से बता रहा हूँ, अगर मैं खुद से करता बहुत तेज करता था, लेकिन अभी आपको समझ में आए तो आराम आराम से मैं कर रहा हूँ। आप जो है खुद से देख देख के भी बना सकते हो, ठीक है। इसके साथ मैंने वो कर दिया। अब मेरे को इसकी सेंटर टू सेंटर लॉक करना है। सेंटर टू सेंटर लॉक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी सेंटर और इसकी सेंटर हमने लॉक कर दिया सिमिलरली, अब इसकी सेंटर टू इसकी सेंटर हम लॉक कर देंगे, ठीक है। हम सेंटर टू सेंटर लॉक कर दिया, अब ये एंड रोटेशन भी लॉक हो गया है, अभी आप इसका ये वो भी लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको देखना ये है, अभी ये जो ब्लॉक है इसको इसके साथ लॉक करना है, फिर फिंगर कैम को भी लॉक करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस फेस को यहाँ पे मैं टास्क कंट्रोल अनाउंस कर दूंगा, हाँ इससे भी हो जाता है, बट आप टास्क रखना क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे जाना है आपको, जाने के बाद यहाँ पे ये वाला फेस को चेक करना है, यहाँ पे टास्क कंट्रोल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये लॉक है, ये वाला लॉक जो है इसके साथ भी आपको ये कंट्रोल करना है। कोई जल्दबाजी ना करना कि कहीं पे कुछ रह जाए या कहीं पे कुछ छूट जाए, है ना, वो नहीं करना है आपको। फिर इसके साथ जो है मैं टास्क कॉन्स्टेंट लूंगा, इसके साथ ये रिवर्स डायरेक्शन करके इसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये इसके साथ मेरा फुल्ली फिक्स हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसके साथ फिंगर कैम को भी लॉक कर देना है, रिवर्स डायरेक्शन कर देना है। तो अभी मेरा फिंगर कैम इसके साथ लॉक हो गया, बट यहाँ पे इसकी कॉन्स्टेंट और उसकी कॉन्स्टेंट भी मेरे को मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर में फुल्ली कॉन्स्टेंट कर दूंगा, तो ये आगे नहीं आने देगा आपका, ठीक है। कोइंसिडेंट करेगा तो ये इसके सेंटर पॉइंट टू पॉइंट लॉक कर देगा वो, ये हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मूव करके देखूंगा, जैसे मैंने इसको कैंसिल करके इसको अगर मूव कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा, इसके साथ कौन कौन आ रहा है, फिंगर कैम भी आ रहा है, राइट। फिंगर कैम भी इसके साथ मेरा लॉक हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके यस कर देना है, पहला वाला पोजिशन में आ जाएगा। फिर अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसकी कांस्टेंट लगाना है, ठीक है। इसकी कांस्टेंट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा,
ये वाला नहीं, आपको में आना है 10 में आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फेस एक बार राइट क्लिक करके, थोड़ा सा मेरा ना गला दबा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है, दिक्कत हुआ है, हो रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ के बाद जो है इसकी सेंटर और इसकी सेंटर जो है लॉक कर देंगे। लेकिन अभी ये लॉक हो गया, के बाद हम ये कोई भी एक लॉक कर दो, ये घूमेगा, मतलब घूमेगा तो फिर इस डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, क्योंकि हमने पहला कॉन्स्टेंट किसके साथ दे रखा है, एक बार आप कॉन्स्टेंट में आ जाओ, फर्स्ट कॉन्स्टेंट में इसके साथ दे रखा हो, तो इसके लॉक हो रखा है, तो इस रोटेशन के अबाउट ये घूम सकता है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, असेंबली कॉन्स्टेंट में जाके इसको भी लॉक कर दो, क्योंकि ये घूमेगा नहीं। हाँ कोई चीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम सेक करना है फिर भी जाके आप सेक करो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये दिखा रहा है बहुत सारा डायरेक्शन में घूम सकता है अभी भी सेंटर की वाइज, तो हमें इसको लॉक कर देंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल वाई, ठीक है। अगर आप इसको देखना है तो आप इसको देख सकते हो लाइक ऐसे करके भी, ठीक है। इसके साथ आपको लॉक करना है तो इसके साथ आप इसको डायरेक्शन में लॉक करो, इतना ज़रूरत नहीं है इतना करने का, आपको क्या ज़रूरत है, आपका काम तो हो ही गया, ठीक है। मुझे तो हुआ इससे मतलब है, इससे भी मैं लॉक कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आगे पीछे नहीं होंगे, फिक्स रहेंगे। साइड से भी करना है तो साइड से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेंटर कॉन्सिलेंट दे रखा हूँ। तो यहाँ तक मेरा हो गया है, अब मैं सारा जितना भी मेरा जो पार्ट है मैं सबको ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा हो गया है, अब मैं जैसे इसको एनिमेट करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे डायनेमिक से मैं ज़्यादा मैं डायनेमिक से करता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा स्लाइडर के साथ कॉन्स्टेंट नहीं है, बाकी ओके है, बट मेरा स्लाइडर के साथ कॉन्स्टेंट नहीं है ना, स्लाइडर के साथ नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जो मैं स्लाइडर के साथ करूँ, आपको करना क्या है, इसको हटाना है पहले, अब स्लाइडर के साथ रिलेशन देना है। वो कैसे दोगे, मैं इसमें सेंटर टू सेंटर दे सकता हूँ, मैं अगर इसमें इसकी सेंटर और इस फेस की सेंटर के साथ करूँगा, देखो मैं तरीका समझा दे रहा हूँ, फेस ये वाला, तो दोनों के साथ मैं ओके कर दिया। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ ये वाला स्लाइडर वाला इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको ले रहा हूँ सेंटर पे और इसकी ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, मैं देख रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपका जो कॉन्स्टेंट है सारा चीजें लग गए, एक के साथ असेंबली हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट यू करके सबको ले आ रहा हूँ। अब मेरे को उस डायरेक्शन में नहीं देखना है, मेरे को इस डायरेक्शन में देखना है, तो मैं इसको मैन्युअली मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके जो मेरा रोटो में उसको हटा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रहेगा दिक्कत आएगी आपको समझाने में। अब आपको करना क्या है, अब आपका जो चीज़ें है जो एनिमेशन है वो करना क्या है, वो एनिमेशन को आपको मूव करके देखना है, राइट। तो मैं कैसे मूव करूँगा, कैसे मूव करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। अब इसको जो आपके मूवमेंट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसको मैं डिवाइड करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और ओरिएंटेशन मेरा कितना है देखना है ना। अब मैं इसको देखने से पहले मेरे को एक चीज़ और देखना पड़ेगा, कंट्रोल एच करके मैं वाई कर दिया हूँ। वाई करने के बाद मैं इसके सेंटर में चला गया, ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, सबसे ऊपर में जाके सेक्शन को ऑन कर लूँगा। अब मेरा यहाँ से एंगेजमेंट होगा स्लाइडर का। देखो मैंने एक चीज़ आपको पहले बताया, जो फिंगर कैम का एंगल है और हिल ब्लॉक का एंगल है वो हमेशा सेम नहीं होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सेफ्टी होने के लिए, आराम से वो डैमेज ना हो, फिंगर कैम में ज़्यादा लोड ना पड़े, हील ब्लॉक में ज़्यादा लोड पड़े, इसलिए हम करते हैं। जिसको भी कैलकुलेशन वगैरह समझाता हूँ उसमें तो पता ही है, मैंने उसमें करके दिखा रखा हुआ आपको क्यों करते हैं। और जो भी साइड में हम जैसे प्लेट लेते हैं ना, प्लेट लेके भी बनाते हो, वेयर प्लेट वगैरह बना के, तो हम इसमें ये देखते हैं इसमें डिस्टेंस कितना है, यहाँ से एंगेजमेंट कितना होने वाला है, मतलब वो निकालना है ना मेरे को। यहाँ से एंगेजमेंट निकालने के लिए मैक्सिमम पॉइंट जो है ये है, यहाँ तक रहेगा, 83.5 है, ठीक है। मेरे को कितना मूव करना पड़ेगा, 83.5 ऊपर जाएंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, मतलब 83 mm जो है मेरा अंडरकट निकालने के लिए सही है, ठीक है। तो आप समझ गए 83 mm का। अब हम जो है इसको हटा देते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा हल्का इधर ले आऊँगा आपको दिखाने के लिए, है ना। अब उसके बाद जो है मैं मूव में जाऊँगा, यहाँ पे मूव कंपोनेंट में जाऊँगा, ये कॉन्स्टेंट सही लगाना, नहीं तो आपका काम नहीं आएंगे। और इससे भी अगर मैं अलग अलग तरीके का स्लाइडर सिलाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। कंपोनेंट सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन ये डालूंगा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, एनिमेशन जो स्टेप होगा आपका तो मैं 1000 में डिवाइड कर दे रहा हूँ। और ये जो आपका लाइन आएंगे ना, इसको मैं
कितना मूव करना था मेरे को, 82 पॉइंट समथिंग ना, 82.5, तो 82.5 करके डिस्टेंस में मूव करके इसको मैं एनिमेट कर दूंगा। जैसे जैसे ये आपका ये ऊपर आ जाएंगे ना, तो इतना एरिया जो है ये कवर कर देंगे आप। और बढ़ाना है आपको मूव करके, क्योंकि ये तो पूरा निकल जाएगा आपका, तो वो भी करके देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक सेफ्टी लगाना पड़ेगा बाहर में, जो हमने बाहर में लगाया था। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से स्लाइडर चलता है, किस तरीके से फिंगर गेम काम करता है। आपको एनिमेशन करके देखना होता है कि मेरा ये प्रॉपर चलेंगे, कहीं पे कोलिजन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं पे जो स्लाइडर है वो ठुक तो नहीं रहा है। तो सारा चीज़ें आपको एनिमेशन करके देखना होता है जब भी मोल्ड डिजाइन करते हो। जो भी मैं किसी क्लाइंट के लिए मोल्ड डिजाइन वगैरह करता हूँ ना, तो सारा चीज़ें मैं करके देखता हूँ। इसलिए जो मैं स्टैंडर्ड लगाता हूँ कि हाँ इतने में बन जाएगा, ये होगा, वो होगा, एक्स वाई जेड, जितना भी जो होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोसेस, सारा चीज़ें आपको कैसे करना है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल टी कर दिया मैं, ठीक है। कंट्रोल टी से नहीं होगा, आपको मूव कंपोनेंट से करना पड़ेगा। वो कंट्रोल टी अलग है, ये मूव बॉडी है, ये मूव कंपोनेंट है, और ये असेंबली में है, वो आपका अलग में था। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यह जो डिस्टेंस दूंगा, ये जो है मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा 1000 में, और ये जो दे दूंगा इसको मैं कर देता हूँ 150 के अराउंड, ठीक है। 150 mm जो है मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, क्योंकि तो देखो जब मैं इसकी मोल की डेलाइट होगा ना, तो मेरा मोल की डेलाइट होगा जो 60 हाइट होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कितना ये खोलूंगा मैं, कितना ओपन होगा, है ना। बेसिकली तो मैं पूरा ओपन करूंगा। और यहाँ पे आपको जो है स्लाइडर है, इसमें एंट्री रेडियस वगैरह लगाना पड़ेगा, रेडियस एम्पर वगैरह मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ। उसके बाद जो है मैं इसकी एनिमेशन, तो जैसे इसको आप खोलोगे ना, तो वैसे वैसे आपका जो है स्लाइडर निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। बेसिकली जो है आपका 82.5 mm जो है आपको अंडरकट रिलीज करना है। अंडरकट रिलीज हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे 150 mm का डिस्टेंस है, क्योंकि मेरा मोल साथ आपको देखना पड़ेगा कितना ओपनिंग में ये मोल खोल रहा है, कितना ओपनिंग में हो रहा है, ठीक है। अभी भी थोड़ा और है आपको, ये देखिए ये पूरा स्लाइडर खुल जाएगा ना, आपका ये काम हो जाएगा। अभी मैं 200 mm का कर देता हूँ, आप देखो पूरा स्लाइडर आपको खुल जाएगा। ये ऐसे रखते हैं देखने के लिए हल्का सा, और इसको हम जो है 150 mm की जगह 200 mm कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हम कर देते हैं इसको 200 mm का, ठीक है। तो 200 mm में आपका जो जितना आपका फिंगर कैम है पूरा निकल जाएगा, आपका पूरा अंडर का जो रिलीज हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाली चीज है, आपके कितने में रिलीज हो रहा है, फिंगर कैम के लेंथ कितना होगा, ठीक है, आपको अंडरकट कितना आपको रखना है, वो सारा चीज़ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है, कैसे कैलकुलेशन करोगे। बट इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आपको एनिमेशन कैसे करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके से मैं ट्रेनिंग वगैरह भी देता रहता हूँ, प्रैक्टिकल क्लास वगैरह भी लेता रहता हूँ। देखो आप अंडरकट पूरा रिलीज होगा, है ना, जैसे आपका ये पूरा बाहर निकल गया। तो ये होता है तरीका कैसे फिंगर कैम लगाने के लिए, कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, क्या प्रोसेस लगाओगे, एनिमेशन करके चला के भी दिखाओगे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पूरी जो चीज़ें आपको करके दिखाना पड़ेगा जब भी एक टूल एंड जो भी टूल एंड डाई बनाते हो। ये मोल के लिए नहीं, जब भी डाई बनाते हो तभी भी मैं करके देखता हूँ। ये सारा चीज़ें प्रोसेस करने के बाद ही मैं मोल जो है क्लाइंट को देता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। तो ये सारा चीज़ें होता है जो आपको करके दिखाना होता है, सब चीज़ें आप करके भी दिखोगे। सारा प्रोसेस आप समझ गए कैसे मैं करता हूँ। इससे भी अलग तरीका होता है, अगर आपको मोशन स्टडी में भी करना है ना, जिन्हें आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको जो है यहाँ पे मोशन में भी इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे मोशन से भी सीखना है, मोशन से भी सीखना है, उसमें भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है आपको करके दिखना होता है, और इसको भी ट्रेनिंग वगैरह लेना है इस लेवल में। अगर आपको सीखना वगैरह है, इस लेवल में आपको ट्रेन होना है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी को प्रोजेक्ट भी बनाना है तो प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। हर एक चीज़ें दिखाता हूँ मैं ना, हर तरीके से मोल बनाता हूँ, मोल फ्लो करके भी दिखाता हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग, हर तरीके से काम करता हूँ, ठीक है। जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह लेना है, एडवांस लेवल में सीखना है, तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और जिसको भी कुछ चीज़ें पूछना है, कोई डाउट्स वगैरह है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में, कौन सी पर्सन में डाउन है वो आपका जो मिनट है वो सेक्शन करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाला चीज़ें समझ नहीं है, मैं कर दूंगा। और जिसको भी ये फाइल चाहिए आपके काउंसलिंग के साथ, वो नीचे मेरा जो आपका ईमेल आईडी है कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं उसको जैसे भी 10-15 रेडी हो जाएंगे मैं एक साथ शेयर कर दूंगा। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारा आ गया, लगभग 1000+ आ गए, तो मैं इतना शेयर नहीं कर पाऊंगा हर एक को अलग सिलेक्ट करके, क्योंकि मेरा पर्सनल भी मेल आता है, तो मैं देख नहीं पाता, सारा मेल जमा हो गया। तो आप एक काम करना, अपना जो भी मेल आई डी है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके बाद जो है मैं आपके सारा जो PDF है और जो आपकी फाइल है वो मैं आपको भेज दूँगा। इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।